উড়ুম ধুড়ুম, উড়ুম ধুড়ুম, উড়ুম ধুড়ুম, উড়ুম ধুড়ুম, উড়ুম ধুড়ুম, উড়ুম ধুড়ুম। तो आज हम लोग एक बेसिक सा चीज ट्राई करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज का मॉड का नाम क्या है? तो मैं देखने वाला हूँ आज का एक सबसे पहला फ्लेम वन वाली मेरी बो। तो देखो, मैं फ्लेम वन वाली बो से ना मॉन्स्टर स्पॉनर को ट्राई करूंगा। अगर कुछ होगा भी ना तो मैं मान लूंगा कुछ तो हो रहा है, तो मैं एक ट्राई करता हूँ। हेलो, कुछ भी नहीं हो रहा है यार, ये मॉन्स्टर को लगा देता हूँ। छेद में एक भी नहीं जा रहा है यार, कितने सारे छेद है, पूरे के पूरे टोटल है 8 छेद। अरे देखो ना, मॉन्स्टर कैसे घूम रहा है, इसमें हंसते भी हो गया। इस स्पॉनर को तोड़ देता हूँ। लो, तोड़ दिया स्पॉनर को। इधर कोई चेस्ट वेस्ट नहीं रखा हुआ इधर, तो गाइस इधर कोई चेस्ट नहीं। और इधर भी स्पॉनर है जो स्केलेटन को इधर कौन बेड लगाया है? तो इधर चेस्ट में देखते हैं, कोई माला माल तो नहीं है ना, कोई माला माल नहीं है इसमें। 3 गन पाउडर है, 4 एक साथ को मिला के कितने हो गए? हेलो, कहाँ गन पाउडर रखूंगा मैं, कहाँ रखूंगा, ये सब तो एक ही स्टैक है। फ्लेम वन वाली बोलो, सुपर बो है, सुपर बो। तो क्या करता हूँ ना, अपने इन्वर्टर से कुछ तो हटाना पड़ेगा, वरना इन्वर्टर तो मेरा फूल ही पड़ा हुआ है ऐसे। तो ऐसा करता हूँ, मैं अपने इन्वर्टर से एक बेड हटा देता हूँ, ऐसे ही मुझे कोई जरूरत भी नहीं है बेड की। ऐसा करता हूँ, मैं लावा बकेट लेके ना उसमें डाल देता हूँ। नहीं नहीं, शायद मुझको कोबाल्ट स्टोन डालना पड़ेगा ये सबको रोकने के लिए। रुक जा रुक जा रुक जा, अभी अभी के लिए ये तो बंद, अच्छे बच्चे जैसा बंद हो जाओ ना पीटोगे। तो मैंने यहाँ पे स्पॉनर में चेक किया, यार ये तो घुसने ही नहीं देता है, इतना अजीब सा जगह बना है ना, घुसाने ही नहीं देता है किसी को मॉन्स्टर स्पॉनर। ऐसा करता मैं नीचे खोद देता हूँ अब सही है। अरे इधर एक भी स्पॉनर नहीं है। हेलो, हम तो स्पॉनर हटा दिए थे, हेलो हम तो स्पॉनर हटा ही दिए थे ना, सही बोला, हमने स्पॉनर हटा दिया था, अभी हम और एक स्पॉनर रख देते इसमें। इधर स्पॉनर है क्या मेरे पास? हेलो स्पॉनर, स्पॉनर क्या यहाँ पे अपना घर बना दूँ? एक खुफिया घर हो जाएगा मेरा, क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस आ गया, नाइस। तो इधर क्राफ्टिंग टेबल, इधर फर्नेस, और इधर बाकी अपना बेड वेड सामान वामान सब इधर है। ठीक है, इधर चेस्ट वेस्ट सब रखूंगा। वाव, ओपी घर है, ओपी यार। ये सब डर्ट का सीलिंग को हटा देता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है कुछ लुक। क्या मैं फर्नेस का सीलिंग लगा दूं? मैं भी ना फालतू का बकवास कर रहा हूँ, फर्नेस की थोड़ी ना कोई सीलिंग होती है। मैं इसका ये फ्लोरिंग चेंज कर दूंगा मैं। इसका के लिए मेरे पास एक आइडिया है, हम क्या फ्लोरिंग करेंगे हम जानते हैं। यहाँ पे डार्क और फुट प्लैंक्स लगाएंगे, मैं वो नहीं हूँ ना, ये मॉस को बाल स्टोन वो बाल स्टोन को हटाओ, घर जैसा लुक दिखना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, पूरा एक घर का पूरा लुक दे देता हूँ मैं। ऐसा करता हूँ फूल घर का लुक, अरे यार अंधेरा हो गया, कोई बात नहीं, अंधेरा तो सबसे ही हो जाता है, कोई बात नहीं। तो खुफिया घर है ना, इधर खुफिया घर में हम रहेंगे, हम कुछ साल रहेंगे अपना खुफिया घर में। देखो खुफिया घर में टोर्चेस लगी है, वाह। और इधर ऑकवुड प्लैंक्स लगा देता हूँ दरवाजे लगाने के, इधर दरवाजे लगाऊंगा, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि मेरा ये घर इधर बैठा है। हाँ, क्योंकि ये मेरा सीक्रेट बेसमेंट का घर है और ये किसी को भी नहीं पता चलेगा। हम इधर एक क्या बोलते हैं ना, इधर देखो जाने के लिए तो सबसे पहले इधर इधर मैं ऊपर जंप करने के लिए हर चीज लगा देता हूँ, ताकि मैं जंप कर पाऊँ, खुद ना फंस जाऊँ। तो आ गया, हैवी रखता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ से आ जाओ दरवाजा खोल के, नाइस। क्या घर बनाऊंगा मैं अभी, देखो यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है, मॉब्स भी नहीं तक आ सकते हैं। स्पॉनर को तोड़ देता हूँ,
एक भी मॉब नहीं आएगा। चेस्ट वेस्ट सब तोड़ ले जाता हूँ मैं। ओ हेलो, गिर गया सारा सामान। हेलो, गिर गया है पूरा। आई चेस्ट में सामान गिर गया, हम बाद में लेके आएंगे। हम पहले हमको सब कुछ सेटिंग करने दो। एनविल हम उधर रख देते हम अपने घर का। अरे यार, इधर बार बार चढ़े ही जा रहा हूँ यार। इधर तो हटाना ही पड़ेगा इस ब्लॉक को। तो कहाँ अपना एनविल रखो? इधर एनविल रखूंगा अपना। नाइस। क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस का क्या हुआ? क्राफ्टिंग टेबल फर्नेस इधर बैठा है, और बेड सोने के लिए बेड भी तो चाहिए। एनविल हटा के बेड लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले सो जाता हूँ, बाकी कुछ काम करूंगा। पेन बकवास नहीं कर रहे हैं, हम सोएंगे। सोने के लिए एक जगह भी चाहिए ना। वहां पे कोबाल स्टोन के ऊपर पेड़ उगे हैं, तो हो गया ये जगह। ग्रेनाइट क्या भाई? ग्रेनाइट कैसा हाल चाल? तो आते वक्त हमेशा की तरह हम लोगों को ये मिलता है। आते वक्त ये यहाँ पे कोई ग्रेनाइट नहीं फंसा इधर, लग रही थे कोई ग्रेनाइट है। हमने स्पॉनर को तोड़ के इधर हमने अपना घर खुफिया घर बना दिया। वाह बेटा वाह, अब तो ये खुफिया जगह लग भी नहीं रहा है हमको। दो रात हो गई क्या? रात जैसी फीलिंग हो रही है हमको। तो हर जगह हम ऐसा करते टोर्चेस लगा देते हैं, ताकि थोड़ा उजाला भी हो। रात को उजाला होता है रात को। इतना नहीं, ऊपर टॉर्चेस लगाऊंगा मैं। ये ऊपर ऊपर टॉर्चेस लगाऊंगा। अरे यार ये अगर ये क्यों चल रहा है? ये तो यहाँ पे भी टॉर्चेस प्लेस, यहाँ पे भी टॉर्चेस प्लेस। पूरा घर तो टॉर्चेस से पूरा भर गया। नाइस। तो इधर आने का हम जगह ब्लॉक कर देते हैं, हम इधर कवर कर देंगे वूल से। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से खुफिया रास्ता होता है ना। और इधर से कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। अरे आ जाओ अपने आलीशान वाले घर में, क्या मस्त है। इसका ज्यादा लंबा वीडियो मत बना। तो मैं अभी तो गाइस अभी के लिए तो ऐसे ऐसे तो मैंने आज अपने खुफिया घर बनाने का वीडियो बनाया। तो आज का मोड नाम है खुफिया घर, खुफिया घर। अरे यार इधर तो ये सब हटाना ही भूल गया मैं। चलो अब ऐसे यहाँ क्राफ्टिंग टेबल फर्नेस। तो गाइस तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो इधर मैं दो बेड क्यों लगाया? वैसे भी ऐसे स्टाइल के लिए रख रहा हूँ। और क्या उजाला घर है, इसमें एनविल और चेस्ट लगा के आज की वीडियो खत्म। तो मैं आप लोगों को एक लुक दिखला देता हूँ। ऐसे चेस्ट थोड़ा उससे दूर रहना चाहिए, अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है, क्या दिक्कत है? क्या बड़ा और बन सकता है? नहीं बनेगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और पता नहीं आज का कमेंट भी ऑन रहेगा कि नहीं, देख लीजिए बस। तो बाद वाले वीडियो में टिल देन। अरे उसके ऊपर चेस्ट क्यों चढ़ा दिया? टिल देन गुड बाय।